नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। 2003 का क्वेश्चन है, सीजीएल में आया, एसएससी में, और 10 सीजीएल में नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन ही कराता हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, पॉज करो, बनाओ, बन गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है आगे। और अगर वीडियो अच्छा लग गया आपको तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मार के चले जाना यार, लेकिन ज़रूर कुछ कुछ ना कुछ करके ही जाना। हाँ, और अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इस चैनल को सर्वाइव कर सकूं, क्योंकि ये मुश्किल हो रहा है ऐसे, मतलब कि बनाते जा रहा हूं पर कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। तो चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो गया। कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है जो कि 20% मार्क्स आता है उसका एग्जामिनेशन में, और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है वो। सपोज कि जो जो मार्क्स है वो 100x है, एक्स इज अ फैक्टर, 100 का एक्स मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि जो इसका परसेंट निकालना होता है ये बहुत इजी हो जाता है आप लोग के लिए, ठीक है। तो 100x क्या है, एक इजी चीज़ है जब परसेंट का बात आए। तो इसका मान लो कि कितना पहला कैंडिडेट आया, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आया, वो 30 नंबर से फेल हो गया, 30 नंबर से वो कैंडिडेट फेल हो गया। इसका मतलब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वो 20x तो मार्क्स लाया, इसमें से 20x मार्क्स लाया, लेकिन 30 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि उसका अगर 30 मार्क्स आता तो वो पास हो जाता। ये हो गया पासिंग मार्क्स, ठीक है, पासिंग मार्क्स। अब देखो दूसरा बोल रहा है क्या, कि दूसरा आदमी वही एग्ज़ाम दिया है, वो क्या करता है कि 32 नंबर, 32% मार्क्स लाता है और 42 नंबर ज़्यादा लाता है। यानी कि ये जो है, जो दूसरा कैंडिडेट है वो क्या करता है कि 42x लाता है, 42% लाता है, यानी कि इसका 42%, यानी कि 42x, और वो जो है वो 32%, गलत है यार ये तो, 32x, सॉरी 32x नंबर लाता है, और वो जो पासिंग मार्क्स है ना उससे कितना लाता है, 42 नंबर ज़्यादा। जो भी पासिंग मार्क्स है उससे, ये पासिंग मार्क्स है, इससे 42 नंबर ज़्यादा लाता है, यानी कि अगर इसको घटा दे तो ये पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा, यानी कि जो ज़्यादा लाया उसको घटा दे तो ये पासिंग मार्क्स, और ये ऑलरेडी पासिंग मार्क्स है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं आप। अब आगे क्या बताऊँ मैं, एक्स का वैल्यू आएगा, पुट कर देना क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन यहाँ पे परसेंट पूछ रहा है तो हमें करना होगा, ठीक है। तो मैं कर ही देता हूँ आगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये लिख के, ठीक है, तो 20 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 12x, और उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 42+ हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू 72, एक्स इक्वल टू 12 6, ठीक है, एक्स इक्वल टू 6, यानी कि जो ये वैल्यू है वो 600 आ गया। जो इसका वैल्यू है, जो ना टोटल टोटल मार्क्स थे वो कितने हो गए, 600। क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, कहते हैं द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। यार परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट करो, 120+150, यानी कि 600 में 150 मार्क्स पासिंग के, बस 100 से इंटू कर दो तो परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। 15 चौका 60 होता है, तो 1/4 × 100, सो दिस इज़ वॉट। अब आगे नहीं करूँगा, आप लोग खुद कर लेना। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो, किसी तरह का डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।